हेलो एवरीवन, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है जर्नल। लास्ट टाइम जो हमने बेसिक्स किए थे जर्नल के एंड रूल्स किए थे जर्नल के, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है डिस्काउंट। आप सबको पता होगा डिस्काउंट क्या होता है। जब हमें प्राइस जो होता है उस प्रोडक्ट का, उससे कम पर हमें प्रोडक्ट मिलता है तो वो हम क्या कहते हैं, हमें डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट मतलब छूट मिली है। जैसे भी सीजन ऑफ होता है, चाहे समर सीजन ऑफ होता है या विंटर सीजन ऑफ होता है, तो हम देखते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर, जैसे कपड़े हैं तो उसके ऊपर हमको क्या कहते हैं, 30% ऑफ और ये सब, जैसे 15% ऑफ। तो ये सब क्या होते हैं, डिस्काउंट होते हैं। जब आपको प्राइस से कुछ कम प्राइस, जो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस है उससे कुछ कम प्राइस पर आपको प्रोडक्ट सेल किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्काउंट टू टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, जैसे हमने बिजनेस स्टडीज में किया है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, परचेज एंड सेल। तो जो भी आप गुड्स परचेज करोगे या सेल करोगे, उस टाइम पर आपको प्रोडक्ट पर क्या मिलता है, जो डिस्काउंट मिलता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब ये वाला जो डिस्काउंट होता है वो आपको किससे मिलता है, ये जो डिस्काउंट है वो आपको देता है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। अगर होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास गया गुड्स परचेज करने के लिए, तो वहां पर जो मैन्युफैक्चरर ने उसे डिस्काउंट दिया, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, क्योंकि आप गुड्स क्या करते हो, बल्क में परचेज करते हो। तो जो होलसेलर है वो तो गुड्स बल्क में परचेज करेगा, तो उस टाइम पर जो उसको डिस्काउंट दिया जाएगा वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर लिस्ट प्राइस है गुड्स के, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका लिस्ट प्राइस है 1000 रुपीज, और वो जो सेल हो रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट उस पर मिल रहा है 20% पर। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, कितना बनेगा, 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200 रुपीज, और उसका परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस 1000 उसका प्राइस था, 200 आपको डिस्काउंट मिल गया, आपको प्रोडक्ट कितने का मिला, 800 का। ये तो होता है ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, जिसे नाम से हमें पता चल रहा है, कैश में जब आप इमीडिएटली पेमेंट करते हो तो आपको मिलता है कैश डिस्काउंट। कोई भी पर्सन होलसेलर के पास गया, रिटेलर होलसेलर के पास गया, तो मोस्टली क्या होता है, जो परचेज सेल चलती है वो क्रेडिट के अंदर चलती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि होलसेलर गया मैन्युफैक्चरर के पास, तो उस टाइम पर जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करने के लिए हम उसे क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं, कि अगर आप हमें अभी की अभी पेमेंट करते हो तो हम आपको 10% कैश डिस्काउंट दे देंगे। हमने किसी भी प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट परचेज किए 50,000 के, ठीक है, 50,000 के परचेज किए हैं, अगर हम उसको 50,000 रुपीज अभी पे करते हैं तो वो हमें कहता है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000। तो परचेज प्राइस हमें क्या पड़ेगा प्रोडक्ट का, 50,000 के गुड्स थे, 5,000 हमें प्रोड्यूसर ने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए, तो अब उस टाइम पर आपको उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 45,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब दूसरी जो बड़ी चीज है वो क्या होती है, कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते। जो ये 200 है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे ही नहीं। जैसे हमने गुड्स परचेज किए थे 800 के, सपोज करें हमारी ट्रांजेक्शन है, हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश के लिए, तो आपकी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, परचेजेज ऑलवेज डेबिट होता है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, जिसे कैश के लिए परचेज किए थे, टू कैश अकाउंट, आपके अमाउंट कितना आएगा, 800 में आपने परचेज किया था, तो इस 200 को हमने कहीं भी नहीं दिखाया, ठीक है। यहां पर हमने परचेज किए थे और हम 45,000 की उस टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं, तो इस टाइम पर जो आपकी एंट्री होगी, हम क्या कर रहे हैं, अगर सपोज करो ये गुड्स आपने ए से परचेज किए हैं तो हम ए की पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ए डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रिसीवर है, टू कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, ए को हमने कितने दे रहे थे, 50,000 रुपीज, कैश में हमने कितने दिए हैं, 45,000 रुपीज, और बाकी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज।
हमको 5000 का जो डिस्काउंट मिला था वो भी हम दिखाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि ट्रेड डिस्काउंट को तो आप बुक्स में दिखाते ही नहीं है, लेकिन जो आपका कैश डिस्काउंट होता है उसको आप बुक्स में दिखाएंगे। ये अभी हम एक ट्रांजेक्शन एक इलस्ट्रेशन के थ्रू अच्छे से समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, वो हम देखते हैं क्या कहती है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, परफॉर्मा हमें पता है, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, एलएफ, पर्टिकुलर्स एंड डेट। ये हमारा परफॉर्मा होता है, डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स जहां पर आपकी जर्नल एंट्री की जाती है, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, इस तरह से बनती है। तो हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। अब सबसे पहले डिस्काउंट का कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, तो उससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको। जब हमने रूल्स किए थे, गोल्डन रूल्स किए थे जर्नल के, तो उसके अंदर एक आपका रूल था नॉमिनल, जो कहता था सारे के सारे आपके लॉस तो डेबिट हो जाएंगे और जो सारी इनकम्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। किया था, याद होगा आप सबको। तो लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस हमें कब होगा, जब हम डिस्काउंट देंगे या डिस्काउंट जब हम लेंगे। ऑब्वियसली जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई हमें 10000 पे कर रहा था, हमने उसे कहा 9500 पे कर दो, तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या होगा उस टाइम पर, लॉस होगा। तो ये आप जब आप डिस्काउंट अलाउड करते हो वो आपका डेबिट होता है, पर आपको इनकम कब होगी, जब आप डिस्काउंट रिसीव करोगे। मतलब आपने कुछ परचेज किया है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो वो आपकी क्या हो जाती है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी क्या हो जाएगी, इनकम, और वो हम करते हैं क्रेडिट। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश पे कर रहे हैं, जून 1 की एंट्री है, हमें क्या बोल रहे हैं वो कि हम कैश पे कर रहे हैं किसको, महेश को। तो रिसीवर कौन हो गया, महेश। महेश को क्या कर देंगे, डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट। कैश पे कर रहे हैं तो कैश जाएगा बिजनेस से, वो क्रेडिट हो जाएगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्या होता है, क्रेडिट, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब कैश में हमने पे किए हैं 9600 और डिस्काउंट रिसीव हमको हुआ है 400 का, मतलब हमने महेश को पे कितने करने थे 10000 और हमने उसका अकाउंट सेटल कितने में कर दिया 9600 के अंदर। तो इस तरह से जो रिसीवर होगा वो डेबिट हो गया, कैश क्योंकि जा रहा है बट गोज आउट हमारा एक कंसेप्ट होता है उसकी वजह से क्रेडिट हो गया, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका नॉमिनल अकाउंट की वजह से, क्योंकि ये इनकम है ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी से अपोजिट एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। तो इसमें आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है तो व्हाट कम्स इन, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस टाइम पर आप डिस्काउंट अलाउड करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा वो भी डेबिट, और किसको, किससे रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर कौन है, अरुण, गिवर कौन है सॉरी, तो अरुण क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, अरुण अकाउंट क्रेडिट। तो अब हमको अमाउंट दे रखी है 4900, कैश में हमको रिसीव हुआ 4900, डिस्काउंट अलाउड हमने किया उसको 100 का, तो अरुण से हमने लेने कितने थे 5000 रुपीज। तो इस तरह से आपने सारे के सारे जो भी हमने 3 रूल्स किए थे उनको यूज करके आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, गुड सोल्ड टू हरीश, आपने हरीश को गुड सेल किए हैं, तो ये तो सिंपल एंट्री है, हमने लास्ट टाइम भी की थी, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड सेल कर दिए, कितने के किए हैं 30000 के, ठीक है। आपने इन सब की नरेशन साथ में लिखनी है, यहां पर मैं आपको एंट्रीज बता रही हूँ, नरेशन तो जो आपको एंट्री गिवन होती है उसी की एक समरी फॉर्म में हम लिख देते हैं, वो आप लोग लिखनी है आपने। नेक्स्ट है हरीश रिटर्न गुड्स, हमने हरीश को गुड सेल किए थे, अब हरीश ने हमें गुड्स रिटर्न दे दिए, कोई भी वजह हो सकती है, डिफेक्टिव है या उसे पसंद नहीं आए, तो या उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो उसने गुड्स हमको रिटर्न कर दिए, हमने उसको गुड्स क्या किए थे, सेल। अब अगर वो हमें रिटर्न कर रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सेल रिटर्न, क्योंकि आपके गुड्स वापस आ रहे हैं आपके बिजनेस में, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, और किससे आ रहे हैं, गिवर कौन है,
हरीश। तो 2000 के गुड्स उसने वापस दे दिए हमें, सेल हमने की थी 30,000 की और हरीश ने 2000 के गुड्स वापस दे दिए हमें। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब हरीश ने अपना अकाउंट सेटलमेंट कर दिया और हमें दिए 27,500। पहले हम देखें हमने उससे लेने कितने थे, हमने उसे गुड सेल किए थे 30,000 के, 2000 के उसने हमें रिटर्न कर दिए, तो अब उसने हमें कितने देने हैं 28,000। 28,000 की जगह वो हमें पे कर रहा है 27,500 और उसका अकाउंट भी क्या हो रहा है, सेटल्ड हो रहा है। ठीक है, हमने उसे सेल की थी तो पैसा हमारे पास आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना कैश आ रहा है 27,500, क्योंकि अब सेल की थी तो आप उसको क्या करोगे, डिस्काउंट अलाउड करोगे। कितना अलाउड किया है 500, क्योंकि 28,000 उसने हमें हमारे देने थे और उसने दिए हैं 27,500, तो बाकी 500 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। टू किससे मिल रहे हैं, हरीश से, तो उसका अकाउंट क्या, उसका अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पर सेटल्ड हो गया। तो इस तरह से आपको कई बार आपको इंटरकनेक्टेड भी दे देते हैं। अब डायरेक्ट आप 27,500 की एंट्री कर दोगे तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें सेल्स भी बताई हैं एंड सेल्स रिटर्न भी बताई हैं, तो आपको डिस्काउंट अलाउड यहां पर दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लीज प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारा टॉपिक आया ट्रेड डिस्काउंट वाला, जो हमने करना था। हमने गोपाल को गुड सेल किए हैं 60,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। तो जब हम एंट्री करते हैं, एंट्री तो हमारी सेम ही रहेगी, हमने गुड्स सेल कर दिए, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो आपकी सेम ही रहेगी। गुड्स आपके हैं 60,000 के, हमने कितने पे किए हैं सेल 10% डिस्काउंट पे, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 6,000। तो 60,000 माइनस 6,000 आपने गुड्स कितने के सेल किए 54,000 के। एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, तो यहाँ पर जो आपकी सेल्स हुई है वो कितने की होगी 54,000 की। तो इस तरह से ये सिंपल एंट्री हो जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट आप पहले ही लेस कर देंगे उसमें से। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लीस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपने गुड्स परचेज किए हैं, जब आप परचेज करते हो आपकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किए हैं रवि से, तो टू रवि, रवि अकाउंट। कितने के गुड्स हैं 20,000 के, हमने डिस्काउंट कितना दिया 15%, तो जब इसको हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3,000। हमारे गुड्स कितने के, हमने गुड्स कितने के परचेज किए हैं 17,000 के, तो हम यहाँ पर सीधी जर्नल एंट्री क्या कर देंगे, परचेजेस टू रवि, गुड्स आपके कितने के हैं 17,000 के। ये जो ट्रेड डिस्काउंट था वो डायरेक्ट माइनस कर दिया, इसको नहीं दिखाएंगे हम। तो इस तरह से आप क्या करोगे, डिस्काउंट की एंट्रीज करोगे। तो आगे आगे जिस तरह से भी क्वेश्चन में चेंज आते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इसके अंदर जब आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन होगा तो वो आप कहां नहीं दिखाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाओगे। ये तो था डिस्काउंट का, इसके आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के इकट्ठे, वो हम करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो हम समझ लेते हैं। टॉपिक है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। इसका क्या मतलब होता है, जब आप दो या दो से ज्यादा एंट्रीज को मर्ज कर देते हो। कंपाउंड का क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हो, एंट्रीज को मर्ज कर रहे हो। पर एंट्रीज मर्ज आप तब कर सकते हो जब, तो जब या तो आपकी क्या है डेबिट आइटम सेम है उन एंट्रीज की, या फिर क्रेडिट आइटम सेम है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट जो है उसको डेबिट ही रहने देंगे और बाकी सारी एंट्रीज को मर्ज कर देंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये दो केसेस में हो सकता है, या तो एक्सपेंसेस पे करने के केसेस में, या फिर जब आप इनकम्स रिसीव करते हो, इनकम रिसीव्ड के केसेस में। एक्सपेंसेस पेड में अगर हम देखें, हमने कमीशन पे की है 1,000 की, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस पे किए हैं 500 के, सैलरीज गिवन है 1,500 की। तो अगर हम तीनों को अलग अलग करते हैं तो पे कर रहे हैं, एंट्री क्या होगी, कमीशन टू कैश, एडवर्टीजमेंट टू कैश, सैलरीज टू कैश। तीनों के लिए आपकी कैश क्या है, तीनों के लिए क्रेडिट ही है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों एंट्रीज को मर्ज कर देंगे। एंट्री क्या कर देंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट
किसको डेबिट ही रखना है, डेबिट ही रखेंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, उसको भी डेबिट ही रखेंगे, और सैलरीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अब तक तीनों में होना तो कैश ही था क्रेडिट, तो हमने एक ही बार क्या कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। कमीशन के लिए हमने 1000 पे किए थे, एडवर्टीजमेंट के लिए 500 और सैलरीज के लिए 1500। टोटल आपने कितना कैश पे किया है, 3000 का। तो इस तरह से आप क्या कर देते हो, जर्नल एंट्रीज को कंपाउंड कर देते हो, मतलब क्या कर देते हो, मर्ज कर देते हो। ठीक है, और इनकम रिसीव के केसेस के अंदर अगर हम देखें तो हर एक जब भी इनकम रिसीव होगी कैश तो आपका डेबिट ही होगा। तो जैसे आपको कमीशन रिसीव हुई, वेजेस रिसीव हुई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, सॉरी वेजेस को काट देते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन आपको रिसीव हुई 2000 की और इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ 1000 का, तो इस टाइम पर आपका कैश तो डेबिट ही होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। कमीशन के आपको कितने मिल रहे हैं, 2000 रुपीज, इंटरेस्ट के आपको मिल रहे हैं 1000 रुपीज, आपका कैश कितना रिसीव हो गया, 3000। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्रीज को क्या कर सकते हो, कंपाउंड भी कर सकते हो, इकट्ठा भी कर सकते हो। तो ऐसे कई बार आपको इकट्ठे गिवन होते हैं कि आपने ये एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो उस टाइम पर आप अलग अलग एंट्रीज करने की बजाय एक ही एंट्री के अंदर सारी आइटम्स दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स 2017 की आपको जर्नल एंट्रीज गिवन है। फर्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। आपने गुड्स सेल किए हैं 1 लाख के 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, कितना गिवन है वो कितना हो जाएगा, 15000 रुपीज। तो आपकी सेल प्राइस क्या होगी, 1 लाख का प्राइस था लीस्ट प्राइस, 15000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। गुड्स आपने सेल किए कितने के, 85000 के, सॉरी दे दिया हमने डिस्काउंट। ठीक है, तो आपने गुड्स कितने के सेल किए हैं, 85000 के कैलाश को। तो हम एंट्री कर देंगे यहाँ पर, क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल किए हैं तो सेल आपकी क्रेडिट होती है, तो कितने के सेल किए हैं, 85000 के। जर्नल एंट्री कर दी हमने। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 4000। अब कैलाश ने गुड्स रिटर्न किए हैं लेकिन लीस्ट प्राइस उसका 4000 है। यहां पर हम क्या करते हैं, सेल रिटर्न लेस कर देते हैं। सेल रिटर्न 4000 के गुड्स है लेकिन हमको जो मिले थे वो हमने जब परचेज किए थे ये लीस्ट प्राइस था, हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया था। तो जब सेल्स रिटर्न आ रही है तो उसमें से भी आप क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न जो से ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस करना पड़ेगा। मतलब उन गुड्स का प्राइस कितना है, सेल्स रिटर्न आपकी कितने की आई है, सॉरी 4000 की थी माइनस 600 का आपने डिस्काउंट दिया हुआ था, आपकी सेल्स रिटर्न आई 3400। ठीक है, 85000 के गुड्स से 3400 की रिटर्न आ गई, तो आपके गुड्स कितने के बने, 81600। सेल रिटर्न आई है आपको 3400 की, उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। कैलाश अकाउंट कितने के आए हैं, 3400 के। अब उसने हमें पेमेंट करनी है 81600 की। आगे क्या कहते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब कैलाश ने हमें अमाउंट पे कर दी है, कितने पर, जितनी उसने पे करनी थी हमने उस अमाउंट पर उसको 5% कैश डिस्काउंट दिया है, वो हमें इमीडिएटली पेमेंट कर रहा था। तो उसने हमारी पेमेंट कितने की करनी थी, 81600 की, हमने उसको क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। तो आपका कैश डिस्काउंट कितना होगा, 4080 का आपने उसे क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। जो आपका कैश डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होगा वो किस अमाउंट पर होगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वाली अमाउंट पर। जैसे उसने हमारे 81600 देने थे, हमने उसके ऊपर उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, 81600 उसने पे करने थे, 4080 हमने डिस्काउंट दे दिया। तो अब उसने हमारे पे कितने करने हैं,
77,520। तो ये उसने हमारी पेमेंट करनी है, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्योंकि डिस्काउंट हम सेल कर रहे थे तो हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो आपका कैश डिस्काउंट होता है वो तो हम बुक्स में दिखाते भी हैं। तो टू कैलाश, दे कौन रहा है, कैलाश। तो इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी। कैश में वो कितनी पेमेंट करेगा, 77,520, क्योंकि हमने उसको 4080 का तो डिस्काउंट दे दिया, वो 4080 कर देंगे। और कैलाश के अकाउंट में उसने देने कितने थे, 81,600। इस तरह से आपने पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, उसके बाद आप कैश डिस्काउंट लेस करके अमाउंट जो भी बनेगी वो रिसीव कर लेंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, इसके अंदर आपको परचेज का और सेल का दोनों का केस गिवन है, वो देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपने क्या किए हैं, नंबर 1 आपको एंट्रीज गिवन है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपने मोहन से गुड्स परचेज किए हैं 10,000 के 15% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज टू मोहन अकाउंट, 10,000 के गुड्स थे, 15% ट्रेड डिस्काउंट पर मिले हैं, तो मतलब 10,000 माइनस 1500 हो जाएगा। आपने गुड्स कितने के परचेज किए, 8500 के। तो ये तो हो गई आपकी परचेज की एंट्री। देन आपको कहते हैं सेटल्ड अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। आपने मोहन का जो भी पैसे पे करने थे वो पे कर दिए, लेकिन आपको जो डिस्काउंट मिला है, मतलब ये जो डिस्काउंट है आपको कैश डिस्काउंट मिला है, तो आप पेमेंट कर रहे हो मोहन की, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट, रिसीवर है और कैश आप पे कर रहे हो, तो कैश अकाउंट। हमने गुड्स परचेज किए थे उससे, तो अब हमको जो डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, रिसीव्ड होगा, क्योंकि पेमेंट हमने करनी है। तो डिस्काउंट मिलेगा कौन सी प्राइस के ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वाली अमाउंट पर। तो 8500 था, उसके ऊपर आपको कितने का मिला है डिस्काउंट, 4% का, तो ये कितना हो जाएगा, 340 का। तो यहां पर मोहन को हमने पे करने थे 8500, डिस्काउंट आपको रिसीव हो गया 340, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8160, जो आप क्या कर दोगे, कैश की पेमेंट कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000, गुड कैश के लिए परचेज किए हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है एंड 5% कैश डिस्काउंट मिला है। तो अब आपने क्या करनी है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले तो हमने क्या किए हैं, परचेज किए हैं गुड्स, तो परचेज आपकी क्या हो जाती है, डेबिट। इसके लिए आपको वो क्या बोल रहे हैं, 50,000 के गुड्स परचेज किए हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर किए हैं, ये कितना हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल गया 10,000 का। आपने गुड्स कितने के परचेज किए, 40,000 के, तो परचेज प्राइस तो आपका आ गया 40,000। अब ये तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वाला प्राइस है, इसके बाद हमें कैश डिस्काउंट भी मिला है 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम लगाएंगे ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, तो 5% अगर इसका निकालेंगे तो वो 2000 आ जाएगा। आपने कितने की पेमेंट करनी है, 38,000 की। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किए हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। और इस टाइम पर जब आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 38,000 कैश पे किया है, 2,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इस तरह से आपने जर्नल एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। अब आप क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जब सेल करेंगे कैश आएगा, डिस्काउंट भी क्या होगा, अलाउड होगा। जब सेल कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कितने के सेल किए हैं, गिवन है क्वेश्चन में 20,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कितना आएगा, 2000 लेस करेंगे तो आपने गुड्स कितने के सेल किए हैं, 18,000 के। लेकिन इस अमाउंट पर अभी आपने कैश डिस्काउंट भी देना है, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमने क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट कितने का बना, 540 का। तो हमने सेल्स कितने की है, 18,000 की, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वाला अमाउंट ले लिया।
डिस्काउंट अलाउड कितने का किया है 540 का, और आपका ये कितना आ जाएगा 17,460 जो आपने कैश में रिसीव किया है पर्सन से जिसको भी आपने सेल किए होंगे गुड्स। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं